सिलेबस नोट कर लो, रे ऑप्टिक्स में से कुछ टॉपिक्स रिलीव कर दिए गए हैं, तो आफ्टर दैट व्हाट इज लेफ्ट, मिरर्स दे हैव बीन रिप्लेस्ड, तो मिरर हम नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन इज स्टिल देयर दैट वी हैव डन इन 10th स्टैंडर्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज देयर, ठीक है, देन रिफ्रैक्शन फॉर प्रिज्म इज आल्सो देयर, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस का टॉपिक हो रहा है, लेंस फार्मूला की डेरिवेशन है जो पहले आपको सिलेबस में नहीं किया, यहां पे है बस लेंस के, लेंस के सारे केसेस डिटेल, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, आफ्टर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस के बेसिस है वो आपको बता देंगे, न्यू टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यू हैव नेवर डन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, के बाद डिवाइसेस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, along with ray diagrams, complicated ray diagrams, each have their derivations of their magnifying power. और ये usually ये जो question है optical instruments का ये 5 marks में आता है, compound microscope, astronomical telescope, ray diagram with magnifying power diagram, ये आपको 5 marks में आता है, ठीक है, तो ये आपका syllabus है ray optics, ray optics इसके बाद पहले हम देखते हैं ray optics, ठीक है, तो चलिए बोलो सबको पता है आपको रे क्या होती है, इमेज क्या होती है, बीम क्या होती है, रे ऑफ लाइट इज अ लाइन अलोंग व्हिच लाइट ट्रेवल्स, तो अगर ये एक लाइन है तो ये एक लाइन है, रे ऑफ लाइट, अगर आप डायरेक्शन मार्क करोगे ये रे ऑफ लाइट, सो दैट मींस इन द रे डायग्राम यू डोंट पुट द एरोस देन देयर इज नो मीनिंग, दे वोंट बी रिप्रेजेंटिंग रेज ऑफ लाइट, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग जस्ट सिमेट्रिकल लाइंस, and you are talking about optics, that is the study of light, study of various light phenomena, reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, ye sare phenomena hai light se related, theek hai, to chalo fir start karte hain refraction, convergent beam hote hain, divergent beam hote hain, parallel beam hote hain, aapko pata hai, theek hai, to ab refraction of light kisko pata hai, what is refraction of light, kaun batayega, refractive beam ya refractive glass ke do hote hain, do kya hote hain, bend of light, bend of light, to bending of ray of light ye aise ye bend hai, theek hai, matlab ki ye direction ye bend hai, to likhiye refraction of light, bending of light when it travels from, bending of light when it travels from one medium, bending of light when it travels from one medium to another medium, bending of light when it travels from one medium to another medium, ठीक है, ये सपोज करो हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, और आपको पता ही है सस्पेंस क्या मीन्स है, रेरर और डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम मींस द मीडियम हैविंग स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर प्लस स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, न्यू इज इक्वल टू सी बाय, दीस ऑल बेसिक्स यू नो इन क्लास 10th करना, ठीक है, क्लियर है, तो म्यू इज Using this formula, we can find the speed of light in any other medium. Like in water, we can calculate. In glass, we can calculate. ठीक है? There are two types of refractive indices.
यूनिट आपको पता है नो यूनिट, क्योंकि स्पीड ओवर स्पीड है तो नो यूनिट। लिखना कुछ ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख रहे हैं तो ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है हरसिमर। सो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एग्जाम्पल लिख लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, 1.3। सेम वे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, 1.5। 3/2 or 1.5। ठीक है क्लियर। अब ये क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ ये इसका सिंबल होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये मेन है जो ऊपर लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। अब रिलेटिव क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर कोई भी। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम व्हिच इज कॉमन टू देम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉमन मीडियम। मतलब आप अभी अकेला म्यू टू ओवर म्यू वन लिख लो, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पहले लिख लो आप। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर, और म्यू टू वन क्या होगा, म्यू टू ओवर म्यू, ये मेन है जो सब्सक्रिप्ट में लिखा, वो विद रिस्पेक्ट टू है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला है एक तरह से ठीक है, 10th में कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला आपने किया हुआ है वही है ये। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर वी वॉन्ट टू फाइंड। अब यहाँ पे कॉमन मीडियम कौन सा हो सकता है, एयर, एयर हो सकता है कॉमन मीडियम ठीक है ना। जैसे कि आपका पहले एक कंपाउंड स्लैब है जो वाटर और ग्लास से बनी, तो पहले एयर से रे आ रही है, पहले एक बार बेंड होगी फिर एक बार और बेंड होगी, उसके बाद इट विल गो अवे अगेन इन द रे। तो इस केस में हम इन दोनों का आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं जिससे ये स्लैब बनी है। तो थर्ड मीडियम इज कॉमन टू देम, इधर वाटर के साथ एयर है इधर ग्लास के साथ एयर, तो हम फिर क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो, वी नो देयर वैल्यूज, पुट कर दो 3/2 over 4/3, सो दिस इज 9/8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज फॉर एग्जाम्पल 9/8। हाँ जी समझ नहीं आई क्या, रट के क्या रानी, कुछ नहीं रटना, ये न्यूमेरिकल में हो सकता है पर इसमें देखो तरीका मैंने आपको बता दिया, ये मेन है ओवर इसको बस डिवाइड करना है ग्लास का ओवर वॉटर। ये तो ऐसे भी 10th में किया ही हुआ है हमने है ना, याद होगा नहीं है? सिर्फ तीन वैल्यू लर्न करनी है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो कितना होता है 1, एयर का 1, वाटर का 1.3, ग्लास का 1.5,
ये उससे डेंसर है, वाटर एयर से डेंसर है, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हम वाटर ग्लास लेते हैं तो ग्लास वाटर से ज्यादा डेंसर है। अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एयर इज रेयरर, वाटर इज डेंसर। अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, वाटर इज रेयरर, ग्लास इज डेंसर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ मीडिया वी आर टेकिंग, कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है उस मीडिया के पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली सेम मीडियम कैन एक्ट एज रेयरर मीडियम ऑल्सो, कैन एक्ट एज डेंसर मीडियम ऑल्सो, इट डिपेंड्स। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा डेफिनेशन कवर हो गई, यूनिट हो गया। हाँ, ये मेन है सबस्क्रिप्ट। हम प्रोनाउंस भी ऐसे करते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, क्योंकि दो का आपस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसकी डेरिवेशन करवाऊंगी मैं आपसे, कंपाउंड स्लैब फॉर्म में। हाँ जी, हर से मत बोलो। देखो, आपका वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो म्यू ऑफ वाटर ओवर म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ वाटर कितना है 4/3, एयर का कितना 1, तो वही हो गया, वही आ गया। ऐसे ग्लास का आ जाए बस। चलिए, होगी टाइप्स। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी लॉज पे, बट उससे पहले हम डायग्राम बना लें इसका। तो अब आपको पता है रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर क्या है। रेयरर मीडियम इज द मीडियम हैविंग स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउट ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया गिवन। जिस पेयर को हम देख रहे हैं उसमें जिसका स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, हम उसको सिंपली रेयरर बोल देते हैं। And the medium having higher refractive index is called optically denser medium or simply denser medium. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब देखो इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे जो अप्रोच कर रही है, एंड वी ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दिस इज एन इंटरफेस सेपरेटिंग द मीडिया, दिस इज बाउंड्री और इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। We draw normal at the point of incidence. ये normal है हमारी। Angle that the incident ray makes with normal, that is called angle of incidence. तो ये इसकी original direction है ray की, but it bends towards the normal if it is entering a denser medium. So this is our refracted ray. This is our refracted ray. An angle that it makes with normal is called angle of refraction. Angle that it makes with normal, that is called angle of refraction. हाँ, अब हम दूसरा बनाते हैं। इधर वही डेंसर है, यहां वही रेयरर है। नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। एरो से पता चलेगा कौन सी रे है, ये अप्रोच कर रही है इंसिडेंट रे। तो हमने इंसिडेंट रे यहां से ले ली, सपोज फॉर एग्जांपल वाटर से एयर में जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन होती, बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्म। So this is your refracted ray. Refracted ray. So these are two rules, not laws. Rules है कि कौन सी ray किधर जा रही है। और इसका reason क्या है, why it happens? Because of different speeds of light in different media. क्योंकि denser medium में light की speed कम हो जाती है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, it bends towards the normal. और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, वी कैन चेक इट आउट आल्सो, इंक्रीज हो जाती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर तक चली जाती है। फॉर एग्जांपल हमने ग्लास में निकालना है, ठीक है, ग्लास में लाइट की स्पीड निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला सी बाय वी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लेट अस कैलकुलेट।
सी कितना है 3 × 10⁸ और म्यू कितना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3/2 अभी बताया था ना 3/2 वाटर का 4/3 ग्लास का 3/2 इसको सॉल्व करो कितना आ गया 3 कैंसिल हो गया 2 × 10⁸ तो एयर में कितनी स्पीड थी 3 × 10⁸ और ग्लास में कितनी हो गई 2 × 10⁸ कम हो गई ना तो इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा पाए सो डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया दैट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज द रीजन ओके इट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर अब हम करते हैं लॉज फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड पहला लॉ तो चलो क्लियर ही आपको इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर दे लाई इन द सेम प्लेन द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे आर कोप्लेनर दैट मींस दे लाई इन द सेम प्लेन पहला लॉ सेकंड व्हाट इज दैट स्नेल्स लॉ इफ यू रिमेंबर दैट वाज स्नेल्स लॉ Snell's law. First वो है कि incident ray, refracted ray and normal are coplanar. They lie in the same plane. ये देखो एक ही board पे draw किया आप एक ही copy पे draw कर रहे हो Board is a plane, copy is a plane. तो इसलिए they are coplanar. They lie in the same plane. Second law है Snell's law. Now what is that? ये medium one है suppose, ये medium two है कोई भी ABC medium हमने ले लिया So we want to write refractive index of second medium with respect to first medium. So refractive index of one medium with respect to the other is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Yes, Snell's law. Mu is equal to sine I over sine I. अरे tenth में कितना use किया है? हाँ तो इसकी statement बस ऐसे ही लिखेंगे words में. The ratio of sine of angle of incidence. So the sine of angle of refraction is a constant. And what is that constant? And that constant is equal to the refractive index of one medium with respect to the other. Chalo likho, Snell's law, his statement. The ratio of sine of, sine ke spelling kya aayenge words mein? S-I-N-E. Ye hum yahan pe toh symbol likhte hain, uska ye three symbols, jaise ko sine ko hum cos likhte hain, tangent ko hum tan likhte hain, sine ka asli hai S-I-N-E. So the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is a constant and is equal to, is a constant and is equal to The refractive index of one medium is equal to the refractive index of one medium with respect to the other. Refractive index of one medium with respect to the other. ये हो गए हमारे laws of refraction of light. Now, Let us use principle of reversibility of light to derive very important result. We are going to prove that refractive index of second medium with respect to first is reciprocal of refractive index of first medium with respect to second. याद होगा आपको कि अगर हम ये interchange करेंगे तो reciprocal हो जाएगा, है ना? ये interchange करना है तो one over हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वॉटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3 तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इफ यू वॉन्ट टू राइट तो दैट विल बी 3/4 सो टू डिराइव दैट वी आर गोइंग टू यूज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू यूज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट
तो हम एक रिफ्रैक्शन कंसिडर कर लेते हैं. एनी रिफ्रैक्शन फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू. दिस इज योर आई, दिस इज योर आर. बना लो एक डायग्राम. Let us block the path of ray of light now by keeping a plane mirror at 90 degree here. Let us block the path of light. We keep a plane mirror at an angle of 90 degree. So the ray is falling normally on it. What happens to the ray for normal incidence to a mirror? Ray wapis chali jati hai, retraces its path. So ray will go back. जिस पाथ के अलॉन्ग आई थी उसी पाथ के अलॉन्ग वापस जाएगी. एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, नॉट जस्ट वन. कितनी भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो ये फॉलो करेगा, ऐसे ही हो. ठीक है. हाँ, प्लेन मिरर एट 90 डिग्री वी हैव केप्ट इन द पाथ, वी हैव ब्लॉक्ड द पाथ ऑफ लाइट बाय कीपिंग अ प्लेन मिरर. तो रे वापिस चली जाएगी, जिधर आ रही थी उधर से ही वापिस चली. So let us apply Snell's law when the ray was approaching medium 2 from 1. पहले जब ray bend हो रही थी, दो बार हो गई ना refraction इसका मतलब. पहले 1 से 2 थी, आई से 2 से 1 में चली गई. So apply Snell's law. For ray coming from medium 1 to 2. For ray coming from medium 1 to 2. या फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, चलो ऐसे कह दो कि 1 से 2 जब आ रही. तो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आई ओवर साइन आर. स्नेल्स लॉ लगा दो. ये याद रखना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो ना, सेकंड का लिख रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पे एंगल उसके ऑपोजिट पहले में दूसरे मीडियम का है. ऐसे नहीं होगा कि अगर आप लिख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और साइन आई ओवर साइन आर, तब साइन आर और साइन आई हो जाए. जिसका आप लिख रहे हो उसके ऑपोजिट एंगल आए, दूसरे मीडियम का एंगल उसके सामने है. बस ये याद रखना है. तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ व्हेन द रे गोज बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर. सो इट इज नाउ गोइंग बैक फ्रॉम मीडियम 2 टू 1. Apply Snell's law when the ray is going back now from medium 2 to 1. ठीक है. अब क्या बनेगा? अब हम 1 का लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या बनेगा? 1 का 2 के विद रिस्पेक्ट साइन आर और साइन आई होगा. अब 1 का लिख रहे हैं ना, तो दूसरे का पहले आएगा. तो साइन आर अपॉन साइन आई. हितेश इज दैट क्लियर? इनको ए बी बोल दो, क्योंकि 1 2 बहुत ज्यादा हो गया. इसको इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी बोल. हितेश इज दैट ओके? यहां हम 1 का लिख रहे हैं, 1 का लिख रहे हैं, एंगल 2 वाले का लेने. हाँ, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू. हाँ, चलिए अब मल्टीप्लाई 1 एंड ए एंड बी. लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, राइट को राइट से करना. सो मल्टीप्लाई ए बाय बी. कैंसिल हो गया राइट साइड में. अब इसको इधर ही रखो, ये नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में. दिस इज द प्रूफ. यही बस टू शो दैट
प्रूव करो कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दूसरे इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। नहीं प्रॉपर कोई नहीं है, वैसे ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कह सकते हो उसका कॉन्सिक्वेंस। ठीक है चलिए यहां तक तो टेंथ वाली रिविजन ही थी, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यस yes.